हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक्नो वैभव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया 9 के बारे में कि उसका जो रिलीज है वो लेट क्यों हो रहा है, कब तक रिलीज हो सकता है ये। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ वैभव, आप देख रहे हैं टेक्नो वैभव, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, HMD ग्लोबल नोकिया 8.1 को इंडिया में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो आज लॉन्च हो जाएगा न्यू दिल्ली में एक इवेंट में। और नोकिया 8.1 के साथ ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे थे पहले कि HMD जो है नोकिया 9 भी इस साल के अंत तक रिलीज कर देगा, लेकिन अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो नोकिया 9 का है उसे और कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया गया है, उसे और कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि जो नोकिया फोन है नोकिया 9 वो 2019 में लॉन्च होगा। और ये जो डिटेल्स हैं ये एक जर्मन वेबसाइट से पता चले हैं जिसका नाम जो है विन फ्यूचर डॉट डी ई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से नोकिया 9 के कैमरा में कुछ टेक्निकल इशूज होने के कारण जो ये रिलीज है ये पोस्टपोन कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है। और रूमर्स ऐसे हैं कि नोकिया 9 जो है वो पेंटा कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है रियर पैनल पे। पेंटा कैमरा सेटअप मतलब उसके जो है 5 कैमराज होंगे रियर में। और कहा जा रहा है कि नोकिया 9 ऐसा फर्स्ट स्मार्टफोन होगा जिसमें 5 कैमराज होंगे रियर पैनल में। जो मेन हाईलाइट आ रहा था नोकिया 9 का इन सारे रूमर्स से वो था इसका कैमरा सेटअप। लेकिन अब नए रिपोर्ट जो जर्मन वेबसाइट के हिसाब से कहा जा रहा है कि जो इनिशियल कैमरा रिजल्ट्स हैं, शुरू के जो कैमरा रिजल्ट्स हैं नोकिया 9 के, वो उतने कुछ खास है नहीं, इसलिए डिसीजन को इसका लॉन्च करने का जो डिसीजन था उसको डिले कर दिया गया है, लेट कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि HMD ग्लोबल ने अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल बात नहीं की है, ना लॉन्च के बारे में, ना डिलेइंग के बारे में, कुछ के बारे में बात नहीं की है। ये जो सारे रूमर्स हैं इंटरनेट पे इधर उधर घूम रहे हैं, स्मार्टफोन जो है ये नोकिया का 9 स्मार्टफोन, ये ऐसा फर्स्ट फोन कहा जा रहा है HMD की तरफ से जो प्योर व्यू का ब्रांडिंग रखेगा उसके साथ में। जो पहले के ओरिजिनल नोकिया फोन्स में आते थे प्योर व्यू का ब्रांडिंग, उसी तरह से इसमें भी प्योर व्यू की ब्रांडिंग होगी। और 5 कैमरास जो है इसके खासियत जो अभी कही जा रही है र्यूमर्स के हिसाब से, अगर हम उसे हटा भी दें तो ऐसे र्यूमर्स भी है कि नोकिया 9 जो है वो स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट से पावर किया गया है, और साथ में इसमें 8 GB ऑफ रैम हो सकता है और 256 GB इंटरनल स्टोरेज हो सकता है, और इसमें 6 इंच का डिस्प्ले भी हो सकता है, ऐसा भी रूमर्स कह रहे हैं। और फ्रंट में नोकिया 9 का सिर्फ एक ही कैमरा होगा ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये थे कुछ रूमर्स नोकिया 9 से रिलेटेड। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये लेटेस्ट न्यूज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, पसंद ना आए हो तो डिसलाइक करें। कोई भी थॉट्स हो आपको इस वीडियो से लेते तो नीचे जरूर कमेंट करें, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।